हेलो फ्रेंड, अखिल कुमार 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो में ज्योतिराव फूले पर 10 लाइन निबंध। ज्योतिराव फूले का हमने एक प्यारा सा चित्र भी बनाया है, तो यह चित्र आपको कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ज्योतिराव फूले पर पहली लाइन, ज्योतिराव फूले एक समाज सुधारक, विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। दूसरी लाइन, ज्योतिराव फूले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंद राव फूले था। तीसरी लाइन, ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। चौथी लाइन, चौथी लाइन, उनका जन्म कटगुन सतारा जिला महाराष्ट्र में हुआ था। पांचवी लाइन, उन्होंने ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित एक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। छठवीं लाइन, सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव थे। सातवीं लाइन, 1873 में उन्होंने गुलामगिरी नाम की एक किताब लिखी, जिसका अर्थ होता है गुलामी। आठवीं लाइन, वह और उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे। नौवीं लाइन, पुणे में महिलाओं के लिए पहला स्कूल उनके द्वारा खोला गया था। ज्योतिराव फूले पर
दसवीं और आखिरी लाइन। ज्योति राव फूले का निधन 28 नवंबर 1890 को हुआ था। वीडियो को लाइक शेयर, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।